Hello and welcome to Claptrap. You're watching this episode which is being shot at Indore. इंदौर के सफ़र की शुरुआत करी हमने बेसिकली उज्जैन से. उज्जैन से निकले और हम इंदौर की तरफ गए. इंदौर जाने का पर्पस ये था कि ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ शूटिंग कैंपेन, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना था कि वहाँ पे सफाई का क्या सीन है, क्योंकि सुनने में आया कि इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री. और एक्चुअली आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे पूरे शहर में बहुत अच्छे से सफाई है, और ये बात सच है कि कहीं पे भी आपको कूड़ा नहीं मिलता ज़रा भी. सो आप सबसे अपील है कि प्लीज़ आप अपने शहर को साफ रखें, खूबसूरत बना के रखें, बिल्कुल क्लीन रखें. और ये जो एरिया है हम जो आ गए देखने के लिए, यहाँ पे मिलते हैं आपको कुछ आइटम्स हैं जो मिक्स्ड हैं. बेसिकली प्रोमिनेंटली इसमें आपको मिल जाते हैं पिक्चर्स, यानी कि वो जो टेराकोटा के होते हैं या मिट्टी के बने हुए बर्तन. कुछ मिट्टी के बर्तन की के बर्तन को एक्सप्लोर करेंगे. कुछ प्लांटर्स हैं जो कि सीमेंट के बने हुए हैं. रिमेंबर, अगर आप इस तरह के कुछ प्लांटर्स ले रहे हो और आपके घर में हार्ड वाटर है, तो ये मिट्टी के और सीमेंट के प्लांटर्स ना लें, क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं. यहाँ पे एक अलग चीज़ है, वो है ब्लैक कलर के पिक्चर्स, यानी कि मटके, जो जनरली कहीं नहीं होते हैं, यहाँ पे अच्छे दिखने को मिले. और एक्सक्यूज़ मी, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी पॉटरी भी है जो कि टेराकोटा क्ले की है. ये बेसिकली ये बहुत लोकल लोग बनाते हैं यहाँ पे. इनफैक्ट ये ऑल ओवर इंडिया बनती है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क होता है. और ये जग्स हैं यहाँ पे. सर्विंग का अगर आपको पूरा एक सेट बनाना है तो यहाँ से आप पूरा आइटम्स खरीद सकते हैं, राइट फ्रॉम द जग और वो सर्विंग बोल्स. और इसके अलावा आपको आगे वीडियो में कुछ और भी दिखाएंगे. देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है. कुछ थाली के बारे में बताएंगे, मटके हैं यहाँ पे, कुछ प्लांटर्स हैं. तो ये जो सीमेंट के प्लांटर्स आप खरीदने की लाइफ लंबी होती है, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं खरीदने आपको रेड एंड ग्रीन, क्योंकि ये बहुत टैकी दिखते हैं, बहुत लाउड होते हैं, आपका प्लांट छुप जाता है. और अब बात करते हैं कुछ हैंगिंग्स की. ये टेराकोटा यानी कि क्ले की ये सब हैंगिंग्स हैं, बेल्स लगी होती हैं इनमें. इनको आप हमेशा आउटडोर में टांगें, कभी भी इंडोर में नहीं टांगना है. ये भी मिट्टी के कुछ बर्तन हैं पानी रखने के लिए विद टैप. इसकी भी प्राइस को एक्सप्लोर करेंगे. कुछ सिरामिक का है, आगे देखेंगे. सिरामिक में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि लोकल नहीं है, बेसिकली ये बाहर से लाए जाते हैं. ये देखिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस है. ये एक्चुअली मुझे मेरी मुंबई की लाइफ की याद दिलाता है. वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स को लेके एक एनजीओ ने एक ग्रिड बनाया था. लकड़ी का एक ब्लॉक बनाते हैं, एक छोटी अलमारी जैसी, और इसके अंदर इनको रखते हैं, बेचते हैं, वो बड़ा अच्छा दिखता है. वेल वी मूव ऑन टू दिस वन. यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हैं कि ये विंड चाइम्स जैसे हैं बेसिकली. एक्चुअली इन अ वे विंड चाइम्स ही हैं ये, पर ये इनमें साउंड नहीं होती क्योंकि ये टेराकोटा होने की वजह से बहुत हैवी होते हैं. ये वाटर रेजिस्टेंट होता है इनमें, इनको आप इसीलिए आप आउटडोर में आराम से टांग सकते हैं. और अगर आपके घर के बाहर कंपाउंड में कोई ट्री है तो वहाँ पे टांगिए इसको, ये बहुत अच्छा दिखाई देता है. और साथ में कुछ मटके हैं यहाँ पे, वो देखेंगे और क्या क्या अवेलेबल है. लोकल में किसी से बात करेंगे यहाँ पे, जो मैन्युफैक्चरर्स प्लस ट्रेडर हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या रेट है, कैसे उसको यूज़ करना है. और एक हम देखेंगे टेराकोटा थाली, जिसके बोल्स के बारे में बताएंगे. ये जो जगह है इसका नाम क्या है? सत्यसाई चौराया. अच्छा, ये आप बाहर से लाके बना के बेचते हैं इसको? ओके ओके. पूरा आपके पास तो काफ़ी सिरेमिक का भी माल है. अच्छा, अच्छा दिवाली के टाइम में अच्छा खासा अच्छा है. ये जरा मुझे बता दीजिए प्राइस. एक तो ये बताइए मुझे, यहाँ का जो मटका है ना, ये काले रंग का क्यों होता है ऐसा? इंदौर में काले बनते मटके, क्यों ऐसा? मिट्टी का फर्क है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है. मुझे ज़रा इसके एक दो चीज़ों के प्रोडक्ट का दाम बता दीजिए, मुझे बता दीजिए. ये देखिए, ये चीनी मिट्टी का है कि मिट्टी का है? अच्छा, ये कितने का है? अच्छा अच्छा, ये 300 रुपीज़ का है और अलग अलग है. इसमें एक छोटा सा टैप भी लगा हुआ है बेसिकली, और इसका ढक्कन भी होगा इसमें, इसके साथ इसका ढक्कन भी है. ओके. और ये ब्लैक वाला, ये कितने का है? ये 200 का. ये पकाने के लिए कि खाने? पकाने के लिए. अच्छा अच्छा, ये तो सेरेमिक आइटम्स हैं कुछ यहाँ पे अलग अलग रेंज में, और सबका अलग अलग रेंज होगा. प्लांटर्स भी हैं यहाँ पे. अब मुझे ज़रा इसके बारे में बता दो, ये वाला जो ग्रीन वाला, ये कितने का है? 350 का. और ये मिट्टी का, ये सबसे लंबा जो है, ये कितने का है ये वाला? अच्छा, ये जो बड़ा वाला है, ये जो है ऊपर से लेके नीचे तक 450. ओके ओके. कई सारी इसके अंदर बेल्स हैं ये बेसिकली, इसको बाहर भी टांग सकते हैं. ये भी टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ है.
अच्छा अच्छा ये चार कितने का बताया आपने? और ये दूसरा छोटा? ऑल राइट, ये एक्चुअली ड्रीम कैचर के जैसा है, 350 का है ये वाला, ये भी 350 का है। ओके, ये सिरेमिक ये ग्रीन वाला ये कितने का है? 350 का है ये। ऑल राइट, इसकी लंबाई होगी लगभग 4 फुट के आसपास, ये भी अच्छा है। एक ना बर्तन, ये आपके पास ये ट्रे भी है सिरेमिक में, ये इसकी टेराकोटा की ये ट्रे है ये। हाँ। ये कितने रेंज की है? 200 रुपये का। ये टूट जाता होगा लेकिन, बस सिर्फ है। अच्छा, ओके ओके, ऑल राइट। एक दो इसमें भी बता दीजिए मुझे, और कोई यूनिक चीज़ आपके पास? एक जग जैसा मैंने देखा था, आपके पास नहीं है वो जग? हाँ, ये मिट्टी का जग दिखाइए। ये कितने का है? ये 120 रुपीज़ का है। अच्छा, इसके और भी वैरायटी मिल जाते हैं आपके पास? अच्छा, ओके। और ये देखिए, ये दिखाइए, ये बहुत अलग चीज़ है थोड़ा सा। अच्छा, इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं? अच्छा, एक मिनट मैं इसको ज़रा साइड कर दूँ। एंड ये छोटे छोटे हैं, ये डेकोरेटिव के लिए बहुत अच्छे पीसेज हैं, अगर आपको ख़रीदना चाहें तो आप इनसे ख़रीद सकते हैं। ये देखिए बहुत क्यूट है, ये कितने का है? ये वाला 40 का पड़ेगा। है 40 का। इनको कैसे डेकोरेट करना है आपके ख्याल से? इनको कैसे रखना है? इसमें ऐसे रख के शोकेस को, शोकेस में रख दो, छोटे छोटे फूल आते हैं उसमें। अच्छा, या फिर बच्चे पेंटिंग के लिए भी ले जाते हैं। अच्छा, बच्चे पेंटिंग के लिए भी ले जाते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इनको एक लकड़ी का एक अलमारी सा बना सकते हैं, बनवा सकते हैं अपने किसी कारपेंटर से, और उनको इसमें प्लेस कर दीजिए, ये बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। ये एक कुकिंग का आपने बताया, ये कितने का है? ये वाला है 450 रुपीज़ का। ओके ओके, इसको गैस पर रख सकते हैं ना पकाने के लिए? गैस ओके, इसमें एक वो भी है पीछे दो। और जब ये इसमें कुकिंग हो जाती है तो उसको साफ़ कैसे करते हैं? गर्म पानी से धो लो, उसके बाद नींबू से साफ़ करो। गर्म पानी से धो के नींबू से इसको साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पूरा डिटेल भी देते हैं आप कैसे रेड वेयर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। ओके, इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसकी वो प्लेट जैसी है, जरा वो भी दिखा दीजिए मुझे। ये रोटी वाली प्लेट। अच्छा, ये कुकिंग के लिए, सर्विंग के लिए? अच्छा, ये इसमें चार पांच सामान आते हैं। अच्छा, व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल अस, दिस इज मोर लाइक अ थाली एंड यू कैन सर्व फूड इन दिस, इसमें खाना सर्व करने के काम आता है। और इसकी कटोरियाँ फिर कहाँ से मिलेंगी? अच्छा, इसकी कटोरियाँ भी मिल जाती हैं, ये आप पकड़ लीजिए। ये कितने की थाली है? ये वाला पूरा सेट आता है 400 रुपये का है। अच्छा, गिलास आएगा इसी में का। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये 400 रुपये का पूरा सेट आएगा, जिसमें कुछ कटोरियाँ होंगी और एक गिलास होगा, चम्मच भी है इसका। ओ, एक बड़ा गिलास है। अच्छा अच्छा, एक बड़ा वो थर्मस सब अभी है नहीं अपने पास। अच्छा, और 400 रुपये का सेट है। अच्छा, आप इसमें चटनी और ये सब सर्व कर, ये सब वैसे ही धुल जाते हैं जैसे आप बता रहे हो? इंडिविजुअली इनको खरीद सकते हैं एक एक पीस को, है ना, अलग अलग पीस को। ये थाली 200 रुपये का, कटोरी कितने का है? ये सब सब में आता है 400। 400 रुपये का। अलग से मुझे कटोरी लेनी हो तो कितने की? लेते हो तो आप 20 रुपये की कटोरी पड़ेगी। 20 रुपये की कटोरी। और ग्लास कितने का है इसका? ग्लास 50 का। अच्छा, ये बड़ा इको फ्रेंडली है, आपको पता है ना कि इससे जो है इसमें जो है पानी कम लगता है कि इसको धोने में काफ़ी पानी लग जाता है? पानी तो कम ही लगता है। अच्छा, पानी इतना नहीं लगेगा। ओके, इस पे तरी की कोई सब्जी खाएंगे तो वो इस पे खा सकते हैं ना, ग्रेवी राइस खा सकते हैं इसमें? सब्जी बनती है। ओके ओके, ऑल राइट। एक बार फिर से मुझे बता दीजिए ना ये कहाँ पे है जगह, ताकि लोग आके देखना चाहें तो। ये आपको अहमदाबाद है। कौन सा? अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद मोरवी, वहाँ से बना हुआ है? लेकिन आप कहाँ पे हैं, ये जगह का नाम क्या है? सत्यसाई चौराया। सत्यसाई चौराया। और आप पेटीएम से भी पैसे लेते हैं, मैंने देखा आपके पीछे रखा हुआ है। पेटीएम से पैसे लेते हैं आप? ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। नाम क्या है आपका? सीता। सीधा प्रजापति, थैंक यू। तो अगर आप इंदौर में हैं तो आप जानते ही होंगे, वैसे फिर भी रिक्वेस्ट है कि एक बार आएँ और यहाँ से कुछ परचेजिंग करें, थोड़ी सी इनको हेल्प होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग क्लब ट्रैप।